गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू एग्ज़ामपुर आज हम आगे का टॉपिक देखेंगे बट उससे पहले मैं आपके कुछ कमेंट्स ले लूँ क्योंकि बच्चों को बच्चों का कहना है कि मैम हमारे कमेंट्स नहीं पड़ती हैं तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं गुड मॉर्निंग नरेश साहू पवन यादव प्रिंस किम जॉन गुड मॉर्निंग ठीक है कल कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या हम यूनीलुलर को ही प्रो कहते हैं ठीक है बट ये बिल्कुल गलत है अगर हम जैसे आपको याद हो कि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल का टाइप है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं किसी जीव की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने नंबर में सेल प्रेजेंट है उसके एकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं और वो है लुलर और मल्टी ठीक है समझ आया ठीक है तो मैंने कल आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए थे और उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने एक तरफ लिखा था यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर एंड दूसरी तरफ है मल्टी सेलुलर ठीक है अगर आपको याद हो यूनिसर और मल्टी सेलुलर का तो यूनिसेलुलर में मैंने आपको बताया था एक सेल का बना हुआ ठीक है और इसके मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे आपको क्या एग्जाम्पल बताया था सबसे पहले बैक्टीरिया ठीक है यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम बैक्टीरिया पहले आया था या माइटोकॉन्ड्रिया पहले आया था तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है ठीक है एक जीव है लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वो एक सेल ऑर्गेनिल या फिर एक कोशिकांग है जो किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंगस हो चाहे वो प्रोटोजोवा हो चाहे हम हैं सभी की सेल में क्या प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ठीक है यहां तक समझ आया ठीक तो अगर हम बात करें किसकी यूनिर की तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने बताया था क्या बैक्टीरिया और बैक्टीरिया किस लिए फेमस है किस लिए जीवाणु फेमस है बताओ बच्चों जल्दी कमेंट में यह क्यों फेमस है क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ठीक है इसका मतलब ये सबसे पहले इस धरती पर पैदा हुआ था ठीक है बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये आपके पूरे एस के लिए भी वर्क करेगा ठीक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है आप कुछ बच्चे कह रहे हैं पीहू माइटोकॉन्ड्रिया नहीं माइटोकॉन्ड्रिया अभी भी नहीं अभी भी नहीं माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो वो एक सेल ऑर्गेनिल है ना कि कोई एक जीव है वो एक कोशिका के अंदर रहने वाला सहायता करने वाला एक कोशिकांग है ठीक है तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है बैक्टीरिया के बारे में तो आप बैक्टीरिया को ही टिक लगा के आओगे माइटोकॉन्ड्रिया को लगा के नहीं आओगे क्लियर हुआ ठीक है दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताई थी ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन एलगी ठीक है और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों नील हरित शैवाल और ये क्यों फेमस था हाँ ये क्यों फेमस था बिल्कुल सही है अंजलि आपका आंसर बिल्कुल सही है ठीक है अगर हम ब्लू ग्रीन एलगी की बात करें तो ये क्यों फेमस था क्योंकि इसको क्या कहा गया था कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड एलगी यह एलगी और बैक्टीरिया के बीच की कड़ी है ठीक है तीसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था प्रोटोजोवा ठीक है या प्रोटोजोवंस जिसका क्या मतलब है कि जो अमीबा बता रहे हैं बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं अमीबा क्या है यूनिसेलुलर लेकिन बच्चों उसको हम प्रोकैरियोटिक नहीं कहेंगे ठीक है प्रोकैरियोटिक नहीं कहेंगे हम क्या कहेंगे कि प्रोटोजोआ को हमने कहाँ पे रखा है यूनिसेलुलर में रखा है समझ आए यहाँ तक तो जो प्रो प्रोटोजोआ है वो क्या है एक एनिमल है एक जीव है एक जंतु है जो कि बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है जिसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं ठीक है माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं और ये मोस्टली एक्वेटिक यानी कि जलीय होता है ठीक है लेकिन एक सेल का बना हुआ होता है यहां तक बात समझ आ गई सभी बच्चों को ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे आज जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसका दूसरा करैक्टर कौन सा है ठीक है पहला करैक्टर क्या था कि सभी सेल से बने होते हैं सेल के दो टाइप होते हैं और नंबर के हिसाब से उनकी संख्या के हिसाब से सभी के सभी ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं यूनि और मल्टी सेलुलर मतलब एक कोशिकी और बहु कोशिकी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड करेक्टर की ठीक है सेकेंड करेक्टर कौन सा होगा तो आप लिखें यहाँ पे सेकेंड करेक्टर होता है प्रोटोप्लाज्म इसका मतलब हिंदी में हम इसे कहते हैं जीव द्रव्य जीव द्रव्य इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी जीवधारी हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य प्रेजेंट होता है ठीक है जीव द्रव्य होता है अब क्वेश्चन आता है कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य क्या है ठीक है तो इस तरीके से अगर कोई भी एक सेल है और इस सेल के चारों तरफ आपको एक आवरण एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है एक कवरिंग दिखाई देती है जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ठीक है और इसी का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है और हिंदी में इसको क्या कहेंगे बच्चों कोशिका कला कोशिका कला और किसी किसी बुक में कोशिका झिल्ली भी लिखा हुआ होता है कोशिका झिल्ली भी लिखा हुआ होता है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी सेल की तो सेल एक चारों तरफ से एक आवरण से एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है ठीक है और इस मेम्ब्रेन को इस आवरण को क्या कहा जाएगा इस आवरण को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन समझ आया यहां तक ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है तो अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर जितना कुछ भी कंटेंट जितनी कुछ भी सामग्री भरी हुई होती है चाहे वो लिक्विड फॉर्म की हो चाहे वो फिर किसी सॉलिड फॉर्म की हो उन सभी कंटेंट को उन सभी के सभी सामग्री को मिला के क्या बनता है प्रोटोप्लाज्म बनता है क्या बनेगा बच्चों प्रोटो बनेगा मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ देखो अगर हम किसी सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर बहुत सारी सामग्री होती है वो बाहर की तरफ ना फैल जाए इस वजह से इसको एक आवरण यानी कि एक मेम्ब्रेन ढका हुआ होता है और इसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हिंदी में हम इसे क्या कह रहे हैं कोशिका कला या फिर कोशिका झिल्ली ठीक है कोशिका झिल्ली ठीक है अब इसके बाद अगर हम इस सेल की बात करें तो इस कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है इस सेल का क्या काम होता है तो इसका काम है कि इस सेल को आसपास की जगह से अलग करना आइसोलेट करके रखना और कितनी मात्रा में इस सेल के अंदर कोई भी मटेरियल आएगा या कितनी मात्रा में इसके इस अंदर से कोई भी मटेरियल बाहर जाएगा ठीक है इसके बाहर जाएगा इसका पूरा का पूरा कंट्रोल इसका पूरा का पूरा नियंत्रण कौन करता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली ही करता है ठीक है इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है क्या कहा जाएगा बच्चों इसको इसको कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है और हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा चयनित पारगम्य झिल्ली चयनित पारगम्य झिल्ली कि अगर हम बात करें एक सेल की सेल के चारों तरफ एक आवरण एक झिल्ली प्रेजेंट है जिसका क्या काम है सेल को बाहर के आसपास के वातावरण से अलग रखना ठीक है और इस वजह से इसको क्या कहा जाता है सेल या प्लाज्मा कोशिका कला या कोशिका झिल्ली ठीक है अब इसके बाद क्या होगा कि कितनी मात्रा में मॉलिक्यूल्स या कोई भी मटेरियल इसके अंदर आएगा इस सेल के अंदर आएगा या इस सेल से बाहर की तरफ जाएगा इसका पूरा का पूरा निर्धारण कौन करता है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है ठीक है और अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो इसका दूसरा दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं इट इज सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन इसका मतलब इसमें से चयनित पारगम्य झिल्ली है ताकि इससे सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही अंदर की तरफ और सेलेक्टिव मॉलिक्यूल ही बाहर की तरफ जाता है इस वजह से इसको सेलेक्टिव कहते हैं या फिर चयनित कहते हैं समझ आया ठीक है इसके बाद बात आता है कि ये किस तरीके का हो सकता है ठीक है तो बच्चों ये होता है ट्रांस्पेरेंट, ट्रांस्पेरेंट, है ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट ठीक जिसको आप कहोगे पारदर्शी होता है कैसा होगा ये पूरा का पूरा इसके अंदर का कंटेंट पारदर्शी होता है ठीक है और दूसरे नंबर पे आप क्या बताओगे ये सेमी लिक्विड होता है सेमी लिक्विड होता है मतलब यह एक अर्ध तरल पदार्थ होता है अर्ध द्रव्य होता है समझ आया मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल जेली की तरह दिखाई देता है ठीक है जिस तरह से जेली होती है बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट होता है और अर्ध द्रव्य या फिर आप कह सकते हो अर्ध तरल पदार्थ का ये होता है ठीक है यानी कि सेमी लिक्विड होता है इसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन जा, पूछा जाए कि सेमी लिक्विड में भी कौन सा फेज होगा जैसे अगर हम सेमी लिक्विड की बात करें बच्चों तो सेमी लिक्विड मतलब होता है कि चिपचिपा सा, है ना तो उसके दो फेजेस होते हैं एक होता है सोल फेज और एक होता है जेल फेज तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो प्लाज्मा है प्रोटोप्लाज्मा है यह कौन से फेज में प्रेजेंट होता है तो बच्चों आप सभी बताओगे कि यह सोल सोल फेज फेज में में प्रेजेंट प्रेजेंट होता होता है, होता है, ठीक है हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ट्रांसपेरेंट मतलब होता है देबशिस ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी जस्ट लाइक अ जेली बिल्कुल ठीक है ओके ठीक है समझ आया यहां तक ठीक तो हमने क्या देखा कि एक सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट है चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो ठीक है तो उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज और जिस मेम्ब्रेन से जिस आवरण से ये घिरा हुआ होता है उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है और हिंदी में हम इसको कह रहे हैं क्या कोशिका कला या झिल्ली इसके बाद इसमें चयनित पदार्थ ही सेलेक्टिव मॉलिक्यूल से अंदर या बाहर की तरफ जाते हैं इस वजह से इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है चयनित पारगम्य झिल्ली यह देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी होता है और अर्ध तरल अवस्था में यह देखने को मिलता है इस वजह से इसको क्या कहेंगे कि यह सेमी लिक्विड है और अगर आपके क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जाता है कि सेमी लिक्विड में भी कौन सा फेज है सोल फेज है जेल फेज है तो आप क्या बताएंगे कि यह सोल फेज का होता है यहां तक समझ आया ठीक है अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस सेल के अंदर जो कुछ भी सामग्री भरी हुई है उस पूरी की पूरी सामग्री को हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं ठीक है लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं सूक्ष्मदर्शी से स्टडी करते हैं तब हम क्या देखेंगे कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी हमें दो तरह के और भाग दिखाई दे रहे हैं ये कौन कौन से भाग हो सकते हैं पहला होता है साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और हिंदी में इसको कहेंगे बच्चों कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य ठीक है इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यहां ऑर्गेनिल्स ऑर्गेनिल्स ठीक है और इस ऑर्गेनिल्स को क्या कहा जाएगा कोशिकांग कहा जाता है कोशिकांग कहा जाता है ठीक है अगर हम किसी अगर हम किसी साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिल्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है ठीक है तो अगर सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो एक सेल के अंदर जितना भी लिक्विड कंटेंट है जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है ठीक है लिक्विड पोर्शन मतलब कि जो द्रव्य वाला भाग होगा जो तरल पदार्थ वाला भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे साइटोप्लाज्म कहते हैं ठीक है लेकिन अगर हम बात करें किसकी ऑर्गेनिल्स की बात कर रहे हैं कोशिकांग की बात कर रहे हैं तो बच्चों ये कैसा होगा सॉलिड होगा सबसे पहले दूसरा कैसा होगा वाइटल होगा यानी कि जीवित होगा लिविंग होगा और दूसरी चीज ये एक्टिव बॉडीज होती हैं एक्टिव बॉडीज होती हैं समझ आया इसका मतलब ये ठोस होगा ठीक है और जीवित होगा जीवित होगा और काफी ज्यादा सक्रिय बॉडी होता है ठीक है आप बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा ये क्या है तो जो आप बार बार माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कर रहे हो एक्चुअली में वो किसका एग्जाम्पल है वो है एक सेल ऑर्गेनिल का एग्जाम्पल एक कोशिकांग का एग्जाम्पल ठीक है समझ आया है यहां तक ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक आप देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हो सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की है ना इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम की लाइजोजोम की ठीक है तो इस तरह का जो और, यानी कि कोशिकांग एक सेल के अंदर प्रेजेंट है और सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचयन की क्रियाओं में सहायता करता है तो उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिस कहते हैं यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ अब बच्चों देखो सेल किसने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया क्या है ये सबके लिए बिल्कुल अलग चैप्टर है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान जो कि हम पढ़ेंगे तब उसमें हम बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करेंगे लेकिन अभी आपको क्या देखना है आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से करेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से गुण हैं जीवित प्राणियों के इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ठीक है अब इसके बाद हम इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ नई बातें करेंगे और यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट का नाम आएगा और इन साइंटिस्ट का नाम है बच्चों जूलियस हैग्जले जूलियस हैग्जले ठीक है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कोई अलग से नाम तो लिखेंगे नहीं चिंटू पिंटू उनका मतलब भी क्या होगा कि जूलियस हैग्जले जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम में हिंदी में भी लिख दीजिए हिंदी में भी लिख दीजिए तो आप इसको साथ में ऐसे ही लिख लो जूलियस हेक्सले ठीक है जूलियस हेक्सले तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था बच्चों इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे प्रोटोप्लाज्म यानी कि इट इज ए फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ और हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे बच्चों यह एक जीवन का भौतिक आधार है जीवन का एक भौतिक आधार है ठीक है आप देखो बच्चों अगर यहां पे आप ध्यान से देखो तो ये स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है ठीक है और ये पूछा जाएगा कि, कि फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ क्या है यानी जीवन का भौतिक आधार क्या है तो आपको किस में टिक लगा के आना है प्रोटोप्लाज्म में टिक लगा के आना है और इस स्टेटमेंट को किसने दिया था इस स्टेटमेंट को दिया था जूलियस हेक्सिले ने दिया था ठीक है जूलियस हेक्सिले ने दिया था समझाया यहां तक ठीक है है अगर आपसे बात होती है, बेसिक ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का आधार तब तो आप सेल लगा के आओगे कोशिका लगा के आओगे लेकिन अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल बेसिक या फिर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक आधार तब आप हमेशा ध्यान रखना कि आप किसको टिक लगा के आओगे बच्चों प्रोटोप्लाज्म को टिक लगा के आओगे लेकिन अगर मैं यहाँ से फिजिकल हटा दूं केवल लिखूं बेसिक ऑफ लाइफ या फिर यहाँ केवल क्या लिखूं जीवन का आधार तो उस टाइम पे आप कोशिका को टिक लगा के आओगे समझ आया यहाँ तक यानी सेल को टिक लगा के आओगे अब कुछ बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि जूलियस हेगले ही ने प्रोटोप्लाज्म की खोज होगी नहीं बच्चों अगर हम बात करें किसकी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है तो आप उस टाइम पे लिखोगे कि प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने की थी यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट ने की थी बात समझ आया जिसको हम विस्तार से कहां पे पढ़ेंगे साइटोलॉजी में पढ़ेंगे समझ आया ठीक है अब इसके बाद हम तीसरे करेक्टर की बात करते हैं अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका तीसरा करेक्टर कौन सा होगा तो तीसरा करेक्टर होता है बच्चों बायो डाइवर्सिटी बायो डाइवर्सिटी अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसका क्या मतलब है हिंदी में इसको हम कहते हैं जैव विविधता जैव विविधता ठीक है अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इन्वायरमेंट का एक पार्ट है और उसको हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट का पार्ट है लेकिन उससे पहले क्या जरूरी है देखना कि यह एक लिविंग करेक्टर का लिविंग करेक्टर भी है ठीक है आप देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो डायवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन है ना और विविधता मतलब क्या होता है बच्चों बहुत सारी भिन्नताएं सिंपल सा अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो अगर हम एक किसी तोते की बात करते हैं एक पैरोट की बात करते हैं सिंपल एक एग्जाम्पल है तो हम क्या देखते हैं तोता बड़े साइज का है छोटे साइज का है कुछ ऐसा होता है जो उड़ सकता है कुछ ऐसा होता है जो केवल छोटी जगह पे फुदक सकता है एक जगह से दूसरी जगह तक केवल चल के जा सकता है कुछ ऐसे कलर होते हैं जैसे कि कुछ हरे रंग के हैं मोस्टली हरे रंग के इंडिया में मिलते हैं लेकिन तोते का कलर भी तो बहुत डिफरेंट कलर का हो सकता है उसके चोच की बनावट उसके बीक की जो शेप है साइज है वो भी डिफरेंट तरीके का हो सकता है है ना तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हम केवल एक तोते की बात कर रहे हैं एक पैरोट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमको इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिल रहा है अगर हम बिल्कुल ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें वेरिएशन देखें उनमें अलग अलग तरह का भिन्नताएं देखें तो उसको क्या कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी बायो मतलब क्या जो जीवित जीवित हैं, तो लोगों के अंदर जितने भी तरह का क्या होगा वेरिएशन हम देख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे बायोडाइवर्सिटी और हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे बच्चों जैव विविधता कहेंगे याद तक समझ आया ठीक है अब इसके बाद हम दूसरी चीज क्या देखते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया कौन कौन सी सीमाएं हम बना सकते हैं कि हम जैव विविधता को अलग अलग तरीके से बता सके ठीक है तो सबसे पहले हम बात देखेंगे यहां पे किसकी शेप ठीक है दूसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे यहां पे साइज और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे क्या देखेंगे कलर कलर ठीक है सभी को पता है शेप साइज एंड कलर आकार ठीक है आकार किस तरीके का है उसका ठीक है उसका शेप किस तरीके का है उसका कलर उसका रंग किस तरीके का है ठीक है इन सभी के इन सभी चीजों को हम क्या बना रहे हैं एक क्राइटेरिया बना रहे हैं अगर आप किसी शॉप में जाते हो बच्चों तो शॉप में भी आप किस शॉप में जाना पसंद करते हो जहां पे आपको डिफरेंट तरह का पैटर्न कपड़ों का ज्यादा दिखाई दे और उसको आप सेलेक्ट किस तरीके से करते हो उसका शेप कैसा है उसका साइज कैसा है उसका कलर कैसा है यानी कि आपने क्या देखा कि पर्टिकुलर किसी कपड़े का हम कितने तरह से वेरिएशन देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैव विविधता के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं कि उनका शेप कैसा है उनका साइज कैसा है और उनका कलर कैसा है ठीक है तो अगर हम ये तीन क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं बच्चों तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, ठीक है तो उनको हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं तो अगर हम शेप साइज कलर की बात करें तो उनको अगेन हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से होंगे बच्चों सबसे पहले तो क्या होगा एनिमल्स और हिंदी में क्या लिखोगे इसको आप जंतु ठीक है दूसरे नंबर पे क्या होते हैं प्लांट्स और इसको क्या कहा जाएगा पादप ठीक है आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली लोग छोड़ देते हैं वो क्या है ठीक है और वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जीवी समझ आया यहां तक ठीक है अगर हम शेप साइज कलर की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं एनिमल प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंतु पादप और सूक्ष्म जीवी ठीक है बच्चों देखो एनिमल और प्लांट्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये क्या है अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव जो बहुत माइन्यूट है बहुत छोटे हैं और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी की जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है फंगस है ठीक है छोटे छोटे वॉर्म्स हैं और वायरसेस हैं, एलगी होती हैं कुछ बहुत छोटी उनको हम सब क्या कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो कि कुछ ऐसे इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इतने छोटे हैं जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है लेकिन मान लो कि कभी कोई सामने से कोई शेर आ गया ठीक है कोई चीता आ गया तब आप क्या देखोगे उसको देखोगे नहीं आप उससे पहले ही भाग जाओगे क्यों क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं जिनको आप हाथ में लेकर के देख रहे हो लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है इतने बड़े हैं कि जिनको हम बिल्कुल देखेंगे नहीं पहले ही भाग जाएंगे यानी उनका जो शेप साइज कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है बहुत बड़े हैं जैसे कि ब्लू वेल कितनी बड़ी है ऐसा कहा जाता है कि उसका अगर छह फिट का कोई बच्चा है कोई आदमी है तो उसकी टंग उसकी जीभ बिल्कुल उतने ही बराबर होती है बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ग्यारह एलिफेंट को लाइन से खड़ा कर दें तो एवरेज साइज की एक वेल का आकार आता है तो आप क्या देख रहे हो कि कुछ तो इतने बड़े हैं और कुछ कैसे हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं समझ आया अब देखो इसी तरीके से अगर हम साइज की बात कर चुके हैं अगर हम शेप की और बात करें एक इंटरनल लेवल में जाके बात करें किसी भी सेल की तो आप क्या देखोगे कि एनिमल की जो सेल है बच्चों वो काफी इरेगुलर होती है काफी अनियमित आकृति की लगी हुई होती है लेकिन अगर आप प्लांट्स की बात करोगे तो प्लांट्स कैसे हैं प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं काफी रेगुलर फॉर्म में लगी होती हैं काफी निश्चित आकृति में वो लगी हुई होती हैं तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो उसकी साइज भी डिफरेंट है शेप भी डिफरेंट है ठीक है अब हम बात करते हैं किसकी कलर की आप सभी को पता है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स किस कलर का होता है बताओ बच्चों प्लांट्स किस किस कलर का होता है प्लांट्स ग्रीन कलर का होता है हाँ बिल्कुल ठीक प्लांट ग्रीन कलर का होता है पर वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होगा बच्चों वो होता है एक क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की वजह से यानी कि पर्ण हरित नाम का एक वर्णक होता है इसकी वजह से ही जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे दिखाई देंगे आपको हरे रंग के दिखाई देंगे लेकिन एक बात और क्या पूरा का पूरा पौधा पूरा का पूरा प्लांट क्या केवल हरे रंग का दिखाई देता है नहीं ठीक है स्टेम अलग कलर का हो सकता है लीव्स अलग कलर की हो सकती हैं फ्रूट्स अलग तरीके का हो सकता है सीड अलग तरीके का हो सकता है फ्लावर्स बिल्कुल डिफरेंट कलर के हो सकते हैं तो आप क्या देख रहे हो कि जो प्लांट्स है वो कैसा है बच्चों मल्टी कलर का है है ना बहुरंगी है बहुत सारे रंग बिरंगा है लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें और स्पेशली अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो क्या हम ह्यूमंस भी रंग बिरंगे हैं कि हमारी नाक हरी हो गई हमारी आंखें लाल हो गई कान हरे हो गए पीले हो गए नहीं नहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमें एक ही तरह का रंग ऊपर से नीचे तक प्रेजेंट होता है समझ आया है यहां तक बच्चों ठीक है अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं ठीक है तो प्लांट्स में कौन सा वर्णक प्रेजेंट है कौन सा रंग प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये हरे रंग के मेनली दिखाई देते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें किसकी प्लांट्स की तो प्लांट्स में मेनली क्या होगा बच्चों यहाँ पे होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल ठीक है और हिंदी में इसको क्या कहोगे आप हरित पर्ण हरी। समझ आया? लेकिन अगर आपसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे क्या कि ह्यूमंस में मानवों में जो स्किन का कलर होता है जो त्वचा का रंग होता है वो किस वर्णक के यानी किस पिगमेंट की प्रेजेंस में होता है तो आप क्या आंसर करेंगे बच्चों यहां पर मेलानीन पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट मेलानिन पिगमेंट ठीक है और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे पे? यहाँ पे यहां पर मेलानीन वर्णक उपस्थित होता है तो आप क्या बताओगे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस तरीके से प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में कितने मतलब कौन सा ऐसा रंग है कौन सा ऐसा वर्णक है जो हमारे रंग के लिए उत्तरदायी होता है तो आप क्या बताओगे मेलानिन पिगमेंट या फिर मेलानिन वर्णक समझ आया बच्चों यहाँ तक ठीक है इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर हम मेलानिन वर्णक की बात करें इस पिगमेंट की बात करें तो कितने तरह के रंग कितने तरह के रंग आपको मानवों के अंदर दिखाई देता है तो आप क्या बताएंगे चार तरह के कलर हमको दिखाई देते हैं सबसे पहले ब्लैक कलर दिखाई देता है आपको पता है कि ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है तो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज में रह रहे हैं जो कि इक्वेटेरियल रीजन में रह रहे हैं उन सभी का कलर कैसा होगा बच्चों ब्लैक होगा दूसरा कलर होता है ब्राउन कलर ठीक है ब्राउन कलर अगर हम बात करें ब्राउन कलर किस तरीके से तो जो इंडियंस हैं श्रीलंका हैं बांग्लादेशी हैं उनका कलर कैसा होगा बच्चों ब्राउन कलर कहलाता है थर्ड नंबर पे आता है येलो कलर ठीक है अब येलो कलर मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सरसों वाला येलो कलर येलो कलर का मतलब है ऐसा कलर जो कि चाइनीज कोरियन या फिर जापानीज इनका जो कलर होता है उसको हम कहते हैं येलो कलर और सबसे बाद में क्या आता है बच्चों वाइट कलर वाइट कलर यानी कि जो यूरोपियन है रशियंस हैं उनका जो कलर है उसको हम क्या कहते हैं वाइट कलर ठीक है टाइम हो गया है बच्चों इसलिए इसके आगे का डिस्कशन हम कल कर लेंगे ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है ओके थैंक यू